नमस्कार मित्रों, तो यहाँ पे आप दो सरिन मशीन और एक मैग्नस मशीन देख रहे हैं जिसमें हम डायमंड है वो मेजर कर रहे हैं। अभी ये सरिन मशीन है ना, वो काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर हम कह सकते हैं डायमंड फील्ड में, क्योंकि सरिन मशीन है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डायमंड है उसमें वाइटनर लगाया जाता है। वाइटनर लगाने के बाद उसको स्टेज पे रखा जाता है और डायमंड है वो बिठाने के बाद उसमें हम मार्किंग जो मशीनरी है वो ही करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पॉलिश डायमंड है, उसमें हम कसर जो इम्प्योरिटीज है वो देखते हैं, उसके बाद उसको सेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डायमंड में जितने भी प्लानिंग की है वो सारी की सारी मार्किंग इसमें करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मैग्नस मशीन है, जहाँ पे कोई भी हमारे पास स्कॉर्पी का कोई भी डायमंड आता है फॉर एग्जाम्पल, उसमें इम्प्योरिटीज वाइज है तो वो हम बिठा के इसमें प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड है उसमें काफी सारे हमने प्लानिंग लिए हैं और ये प्लानिंग है उसमें मार्किंग करके यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉट है वो हम क्रिएट करते हैं। ये जो सरिन मशीन आता है ना, उसका सिंपली मैं यूज कह दूँ कि आपको कोई भी डायमंड है उसमें अगर आपने मैकेबल बिठाया या फिर उसका प्लानिंग किया, उसके बाद उसमें आपको मार्किंग की जो प्रोसेस करनी है वो मार्किंग की प्रोसेस इसमें इजीली और सिंपल वे में हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायमंड है उसमें जितने भी हमने प्लानिंग लिए हैं, जितने भी डायमंड बिठा है वो सारे के सारे प्लानिंग यहाँ पे कर दिए हैं। यहाँ पे ये स्टेज है जहाँ पे डायमंड हमने रखा हुआ होता है और ये डायमंड हम पैकेट में फिर से रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायमंड है उसमें हमने प्लेट बिठाई और उसके बाद इसका भैया मैपिंग करके इसमें फिर से हम फोर्पी की साइन लगवा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्पी की साइन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गैलेक्सी प्लानिंग हो गया है डायमंड उसमें हम मार्किंग करते हैं। तो ये सरिन मशीन है वो मार्किंग और प्लानर मशीन भी इसको हम बोलते हैं। ये प्लानर मशीन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कोई भी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें सरिन मशीन है उसकी रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। इसीलिए आप सरिन मशीन कोई भी धीरे धीरे से सरिन एडवाइजर 5.3 सीख लेते हैं तो आपको ये सारी की सारी प्रोसेस आ जाती है, कैसे वाइटनर लगाया जाता है डायमंड में, उसके बाद उसको स्टेज पे कैसे रखा जाता है। स्टेज पे रखने के बाद डायमंड है उसमें हम जितनी भी आगे की प्रोसेस है मेकअबल बिठाने के बाद उसमें मार्किंग की जो भी प्रोसेस रहती है वो मार्किंग की प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं और